सर जी सर अर्जुन, हिंदी सिनेमा के इतिहास में दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, देवानंद, अनिल सर खुद उन्होंने डबल रोल किया है, आपने भी किया है, शाहिद कपूर ने भी किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी फिल्म है डबल रोल वाली, श्रीदेवी ने भी किया है, हेमा मालिनी ने भी किया है, चालबाज की थी श्रीदेवी ने, जी, जी, जी. ऐसे कौन सी फिल्म है जो आपको डबल रोल वाली बहुत पसंद है? और अनिल सर आपसे सवाल है कि किशन कन्हैया में जो आप डबल रोल, तो मैं वही बोल रहा था किशन कन्हैया, बिकॉज एक्चुअली अगर आप देखें तो किशन कन्हैया इज अ वेरी अंडररेटेड डबल रोल फिल्म. इट इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म्स. इट इज अ ट्रू स्टोरी ऑफ एन अंडरडॉग. मैं जोक नहीं कर रहा कि मैं तो सवाल का जवाब दे रहा हूं. नहीं 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 ठीक है, कोई बात नहीं. किशन कन्हैया इज अ वेरी अंडररेटेड फिल्म. आई लव्ड इट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप. इट्स फ्रॉम माय ग्रोइंग अप डेज एंड आई लव किशन कन्हैया, सो दैट हैज टू बी माय फेवरेट डबल रोल फिल्म. यस अनिल सर. ओके, तू भाई तू चीख के ही पूछ लेगा. तू बिना माइक के ही पूछने वाला पूछ ले. मेरी बुक माय शो की टिकट कहाँ है? ये सवाल पूछने के लिए इतना रोमांस करने में बस ये सवाल मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सेकंड. हाँ नेक्स्ट कौन है? हाँ लास्ट. हाँ बताइए पूछे. हम पूरे दिन इधर ही है, फिक्र मत कीजिए. करेंगे ना, वी डू 1-to-1 ऑल्सो. सॉरी या Obviously, अर्जुन यार डबल रोल है यार, मेरा तो सिंगल रोल है. हाँ जी क्वेश्चन. अनिल कपूर के साथ काम करने के लिए तो दो रोल लेने पड़े थे. हाँ जी नेक्स्ट. हाँ हाँ जी हाँ जी. स्लैम बुक क्वेश्चन है. अरे यार मेरी वो फिल्म अभी आपको पता है मेरी ये पहली फिल्म है. पहले आते सर बोला था कि पिछली फिल्मों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं तो बेटर ही है, आगे बढ़ते हैं. आगे की पिक्चर के बारे में बताएं, प्रेजेंट के बारे में बाहर का. वैसे ऑब्वियसली टू बी ऑनेस्ट विद यू देयर आर लॉट ऑफ आई थिंक एवरीबॉडीज फेवरेट फिल्म which was a remake of a South film, which was done by MGR, and then N.T. Rama Rao. जहाँ से मुझे लगता है कि जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो इंस्पायर हुए थे वो राम और श्याम, और राम और श्याम भी ये एक रीमेक थी. और मुझे याद है जब वो फिल्म रिलीज हुई थी, आई थिंक मेरे ख्याल से अनीस साहब को, मेरे ख्याल से उससे बेहतर परफॉर्मेंस आज तक नहीं आई है डबल रोल की, जो यूसुफ साहब ने राम और श्याम में की थी. आप अगर डबल रोल की बात करिए ना, फिल्म देयर आर सो मेनी फिल्म जो अनीस भाई ने लिखी है, जैसे आप आंखें देख लीजिए, उसमें जो डबल रोल है हम कभी ना कभी भूल जाते हैं, यू नो हम याद नहीं रखते, पर आंखें का जो डबल रोल है उसमें तीन लोगों का है. राज बब्बर का भी डबल रोल था उसमें, राज बब्बर जी का भी, गोविंद कादर खान जी का. तो दैट सच अ यूनिक फिल्म इन इटसेल्फ, द वे द डबल रोल इज डन, इट्स नॉट इन योर फेस, वो फिल्म में आपको पता लगता है. तो ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है, बट आई थिंक इट्स बिन अ थॉट दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द with I think the youth, the family audience, the masses and general Hindi film lovers. So I think it's a thought that will always resonate and continue because usme entertainment ke bahut bahut tarike aa jate hain. Aap Rowdy Rathore le lijiye, abhi hala mein welcome back mein Nana Patekar ji ne apne father ka hi role play kar diya tha, wo bhi double role tha. To aise it has always been a dynamic that creates laughter, which is I think a very very good space to be in for actors and for the audience. All right, thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. But before we leave, मैं चाहूँगा कि भाई हमारे तीन जो एक्टर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, पवन जी, ललित जी एंड राहुल साहब, प्लीज आप लोग स्टेज पे आ जाइए प्लीज. कम. और अब सबसे पहले हाँ जी ब्रो वन आई.